एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी कुछ मॉनसून हेयर केयर टिप्स। आप लोगों से बहुत लोगों का शिकायत है कि मॉनसून आते ही उनका बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आज मैं स्पेशली बताऊंगी कि आप अपने बालों को कैसे स्मूथ और सिल्की बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉनसून में हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा फ्रिजी ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि वेदर जो है बहुत जल्दी जल्दी क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इसलिए फ्रिज हेयर का, बाल झड़ने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें बढ़ जाता है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एक हेयर मास्क और साथ साथ बताऊँगी आपको किस तरीके से अपने बालों में ऑयलिंग करना है और अपने बालों को किस तरीके से सिल्की बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि आपको अपने बालों में फर्स्ट ऑयलिंग कैसे करना है। तो ये है एल्थविटा के तरफ से एप्पल साइडर विनेगर ऑयल, जिसमें है प्योर सेसमी ऑयल, इसमें विटामिन ई, कोकोनट ऑयल और ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपके हेयर को बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिल्की बनाता है। ये आपके हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और जो बाल हमारे बीच से टूट जाते हैं, ब्रेक होते हैं, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। तो आपको इसको लगाना किस तरीके से है, आपको अपने अपने साफ बालों में इसको अप्लाई करना है। बहुत से लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, गंदे बालों में हेयर ऑयलिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे साफ बालों में हेयर जो है ऑयल अप्लाई करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ये वाला कैप हम लगा के अपने स्कैल्प में ऑयल को अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको कुछ मिनटों के लिए सर्कुलर मोशन में अपने बालों का, अपने स्कैल्प का अच्छे तरीके से मसाज करना है। मसाज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये जो ऑयल है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने हेयर को बहुत अच्छे तरीके से नरिशमेंट, अपने बालों को टेक्सचर इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर अपने बालों को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट रखना चाहते हो, तो ये वाला ऑयल जो है आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इसका फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही अच्छा है और इसमें किसी तरीके कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो आपके बालों में नुकसान पहुँचाए। तो ये वाला ऑयल आपको अप्लाई करना है, एक घंटे के लिए रखना है, आप चाहो तो ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं और अच्छे तरीके से मसाज करना है और आपको माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। आप अगर इसको कंटिन्यू एक महीने के लिए अप्लाई करते हो तो आप अच्छे तरीके से रिज़ल्ट आप देखोगे, आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट जो है मिलता है। तो यहाँ पे जो मैं ऑयल शेयर कर रही हूँ, नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ टिप्स आपके बालों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे जो बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, मेन जो रीज़न होता है क्लाइमेक्स चेंज होने का, और सेकंड जो है आपको अपने बालों को धूप से बहुत ज़्यादा बचाना होता है। हवा और धूप के लपेट में, चपेट में जो भी हो, उससे बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और ख़ासकर हमारे बालों को केयर ना करने से। अगर बालों को टाइम टू टाइम उसको खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो बाल अच्छे से उगेंगे कैसे। तो इसलिए आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा फ्रिजी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि नरिशमेंट जो है मिलता नहीं है, इसलिए आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा झाड़ जैसे हो जाते हैं, आप उनका ध्यान नहीं रखते हो। जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने बालों को बांध के रखना चाहिए। आप अगर बालों को एनी टाइम खुला रखोगे तो उसमें हवा हवा लगते रहेंगे, धूप भी लगेंगे, पोल्यूशन भी बैठेगा, तो इससे आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और डैमेज से हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा झाड़ जैसे हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा कोशिश करें अपने बालों को जो है आपको बांध के रखना चाहिए। और नेक्स्ट जो मेरे टिप्स है, आपको ऑयलिंग के साथ साथ अपने बालों में हेयर मास्क भी लगाना बहुत ज़रूरी है। मास्क हमारे बालों के लिए, रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप ऑयलिंग करोगे तो नहीं चलेगा, आपको बालों में मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ऑयलिंग के साथ साथ हफ्ते में एक बार आप मास्क लगाना जरूर याद रखें। स्किन के साथ साथ आपके बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पिलो कवर उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहे। एक ही पिलो कवर पे आप अगर डेली सोओगे तो आपके बालों में फंगस, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया लगना जो है कंपलसरी है। तो जितना जल्दी हो सके हफ्ते में 4 से 5 बार अपने पिलो कवर को ज़रूर चेंज करते रहें।
और आपने कभी सुना नहीं होगा कि आप अपने बालों को च्युइंगम खाते खाते भी बहुत ज़्यादा अच्छा, सिल्की, घना, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक जेली या फिर गम, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है हेयर विटामिन भी आप इसको बोल सकते हो। ये जेली जैसा है, जेली आप मार्केट में देखते ही होगे कितना अच्छा कितना टेस्टी जो है मिलते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर मैं जेली बहुत खाती हूँ। तो आप जेली खाने के साथ साथ अपने बालों को स्ट्रॉन्ग हेल्दी बना सकते हैं। और ये है हेल्थ वीटा के तरफ से, इसमें आपको मिलता है विटामिन सी, विटामिन ई, ए एंड जिंक। जिंक हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा एक अच्छा विटामिन होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप इसे खाने के साथ साथ अपने बालों को हेल्दी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर आपको इसको लेना है तो नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। नायका पे इसका बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। खाने में टेस्टी है और आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है रिसेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लेना है तो नीचे लिंक दोनों प्रोडक्ट का आपको मिल जाएगा। और जो जो मैंने आपको टिप्स दिया है साथ साथ आप उसको भी फॉलो करें तो आपके जो बाल हैं हमेशा हेल्दी, सिल्की, स्मूथ और स्ट्रांग बने रहेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलती हूँ मैं अपने बहुत ही जल्दी एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।